इससे अच्छा तो मेरा ब्याह ही ना लगता। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही ठीक था मैं, ऐसी औलाद ने मेरा जीण हराम कर रखा। अब पता नहीं कहां मरे, किस टाइम रोटी बनेगी, किस टाइम हम रोटी खाओगे, बार बार टाइम देख रहे हम, किस टाइम हम खेत में जाओगे। ले भाई हाथ तो थक भी गए। और बारमान साहब ठीक हो? और बाबू के ठीक हो तू? क्या लेना है मेरे पते? मैं थक था, एक काम आया था जी, मैं बहुत दिनों था बहुत परेशान हूँ। तू दिक्कत ना मानने, मेरे होते हुए तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तू अपना काम बता, वो भी पर्चा काट के। अजी मेरे वो होगा बालक नहीं हो रही, कुछ इलाज बता दो। बालक नहीं है तो ये तो बहुत बढ़िया काम लेगा यार। बालक तो हम पैदा कर देंगे, मेरा मतलब है तुझे ऐसा इलाज बता देंगे, ऐसा इलाज बता देंगे, ऐसा इलाज बता देंगे, पता नहीं कैसा इलाज बता देंगे, वो भी पर्चा कह। तो फिर बता दो जी। बता देंगे हम ऐसा इलाज बता देंगे, ऐसा इलाज बता देंगे, ऐसा इलाज बता देंगे, पता नहीं कैसा इलाज बता देंगे। तेरे ही नहीं, तेरे बहुपनी, तेरे बेटे की बहू, तेरे पत्तों की बहू पे, तेरे पड़पत्तों की बहू पे, उनके पत्तों की बहू पे, सरतिया लड़का ही होगा। अरे लड़का क्या, चाहे लड़की हो लड़का हो समान बराबर है, ठीक है, पर एक काम ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा ना करिए, अगर तेरे बालक होने वाला हो उसकी जांच मत करवाइए, वरना बहुत बुरी सजा मिलेगी। अब तू एक काम कर, या ले छोटी सी गुड़िया लेकर जा और अपने घर धरिए, मजी बांगवाना है और मुझे दे दिए, और इससे पहले मैं ना हूं तब तक इसे कहीं घेरिए ना, ये बहुत ही तंत्र मंत्र करके रख रखी मैंने, ठीक है, जा। आ गया ना मजा, साली को एक छोटी सी गुड़िया पकड़ा दी, और अब मैं इसके घर जाऊंगा और वहां इसकी घरवाली तो मिलूंगा और इसकी घरवाली की शायद मुझे तो बोलते हुए भी शर्म लग रही, क्या करूं पब्लिक। पर हाँ एक बात ध्यान रखियो, सही बात कर रहा है ना मैं? हाँ ऐसे ही करता रहूं, ध्यान रखियो, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय सत्याकाल। लो पिताजी। अबे यो क्या है? ये आया तंत्र मंत्र करी हुई गुड़िया। तंत्र मंत्र करी हुई गुड़िया? हाँ तंत्र मंत्र करी हुई गुड़िया। अबे हमने सोने की गुड़िया सुनी, चांदी की गुड़िया सुनी और प्लास्टिक की गुड़िया सुनी, या तंत्र मंत्र वाली गुड़िया कौन सी गुड़िया भाई? बच्चा पैदा करने वाली गुड़िया। बच्चा पैदा करने वाली गुड़िया, साले इसमें कौन सा जीव है जो बच्चा पैदा करेगी? करवा तो सके पिताजी। या कैसे करवा सके, इसके कौन सा? बस पिताजी रुक जा। बस तेरे मुंह में क्या बवासीर होगी, तू इस तरह खुसर खुसर बोल रहा, सबरे सही क्यों नहीं बोलता तू? अजी मैं तो सही बोल रहा था, मैं इतने सवाल कर गए। अच्छा सबरे गंद भर जा, चल जा, हमें तो ऐसा लग रहा हमें रोटी बनानी पड़ेगी, दिख है ले खुशी से सामान रखना। क्या है जी? ये है हमारी छोटी बिटिया। बिटिया? ये तो मुझे गुड़िया सी लग रही है। अरे पागल, बिटिया ही गुड़िया है, गुड़िया ही बिटिया है। अरे जाओ, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। ना भाई थक गया हम तो। अजी पहलवान जी आए नहीं था मेरे घरों? तेरे घरों नहीं आया मैं? ओहो भाई भूल गया, असल में वर्जी आजकल ज्यादा चल रही है मेरी, लग रहा नहीं कुछ पता। हाँ जी फर्क सा तो लग रहा, पर नूं तो बताऊं मेरे घरों को नहीं आया था। अरे भूल भाल जा, काम भी तो ढेर है, और तुझे पता ही आजकल मैं वर्जिश भी ढेर कर रहा, बॉडी बिल्डर बन रहा ना मैं। पर नूं बता, तन्ने वो गुड़िया सी अपनी घरवाली को दी थी अगर ना दी थी तो भी पर्चा काट के? घरवाली की तो दी नहीं जी, बाप को दी थी जी, उन्होंने ही मुझे वापस दे दी। हाँ भाई यो क्या काम कर दिया तन्ने, यो तो प्रकृति के खिलाफ काम कर दिया है। मैंने कहा था अपनी बहू को दे दिए, सारे तन्ने अपने बाप को दे दिया, ये बालक तेरी बहू पे नहीं तेरे बाप पे हो सके, वो भी पर्चा काट के? अजी मेरे बाप ने तो मुझे दे दी थी जी वापिस गुड़िया। तुझे दे दी थी? भाई ये तो और खराब हो गया मामला, अब मैं क्या करूँ, यो तो भाई तेरा भी बालक हो सके। अब एक काम करना पड़ेगा, मुझे तेरे घर बिल्कुल जाना पड़ेगा, बस तू एक काम करिए अपने घर चल और मैं तेरे पीछे पीछे आया, समझ गया? समझ गया जी, मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही तो लोगों का बेवकूफ बनाया जा, इसे कहा था अपनी बहू को दी, अपने बाप को दे दी, अब यू ज्यादा कंफ्यूज होगा। अब मैं जाऊंगा इसकी घरवाली को बताते हुए भी शर्म ला रहा है मुझे तो, वो भी पड़ता। अब तक पता नहीं कहाँ रह गया, हे भगवान, आज अगर उसकी माँ होती तो दो घड़ी बैठ कर हम बात कर लेते, अब किसकी साथ बात कर रहे हैं।
पता नहीं कहाँ रहेगा। कहते कहते थक भी दे रे भाई, हमारा गर्दी ना करे लुढ़ियारपण मैंने घूमे, लेकिन परेशान है रही सड़क। अपना परिवार नहीं देख सकता, अपना घर नहीं देख सकता, हमारा घर की कचला की करनी, सारी चीज हम ही देखेंगे क्या? यार समझ में ये नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं जिससे अपनी आमदनी, ओ ये तो बेकार है, और बढ़ा सकूं ये तो ज्यादा भारी। क्या करूं क्या ना करूं, हो एक काम करूं, अपने खेत पर झोपड़ी जो पड़ी है, ओह हो यो काम ठीक रहेगा, तो मुझे बताते भी ये शर्म आ रही है, वो भी पर्चा काट के। पिताजी आज भगत जी आएंगे, उनसे तुम इनसे बात करना। अच्छा तुम्हें बदतमीज में अंडा, हरा कोई भरोसा भी नहीं जी। अच्छा तुझे मारा कोई भरोसा नहीं, तुझे पाल पोस कितना बड़ा कर दिया। पाल पोस का बड़ा करना तो थारी ड्यूटी है, जूता फेरना भी मेरी ड्यूटी है। हाँ उस काम में तो तुम माहिर हो, जूता ही फेर सको और क्या कर सको। जब है नगट्टे जाएगा सड़े रोटी बना ले जा। ये मेरा काम नहीं है, लुगाइयों का काम है। तो अपनी लुगाई को कह दे। ठीक है कह दूंगा। अबे इन्हें भी परेशान कर दिए, क्या करे ऐसी औलाद का। मैं कब तक परेशान रहूं इन दोनों से, कुछ कर दो परी दादी। तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ठीक है बस इन दोनों पागलों को ठीक कर दो। तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस ये दोनों ठीक हो जाए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। क्या मत मैं अभी मैं माथा नहीं मार रही हूँ, परी दादी से बात कर रही हूँ। परी दादी, मेरी दादी तो सुनी थी या परी दादी कौन? अपना काम कर लो जाके। भगवान क्या कसम दे दिया यो। ले भाई आज तो थक भी गए। मैं कौन था? भूत बात तो नहीं है। अरे मैं कौन सा डरू भूत हो या बापो? भाई यहां क्या था? भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि पिशाच काल मारी मर देवता, यो क्या हो रहा? आज मेरी जिंदगी बहुत खराब होगी, यहाँ कहीं से किसी पहलवान का भूत तो नहीं आ गया? अरे हम कौन सा डरे हैं, हम तो इन्हें तो मुझे परेशान कर दिया, बम नहीं करता पहलवानी होगी पहलवानी। भागो। चाय बना दो बहू जी। चाय क्यों, तो रहने दो बहू, बस यूँ बताओ लोगों का पट्टा कहाँ गया? पता नहीं कहीं फिर होंगे ढोंगियों के चक्कर में। ढोंगियों के चक्कर में भाई, यो नहीं बाहर जाने का, इन्हें जीना हराम करके हमारा। बाबू जी उन्होंने दुखी कर दिया, तभी जाके देख लो कहाँ है वे। ले मैं ही देखूँ, मैं ही जाऊँ। ले भाई थक गया। हाँ भाई भगत जी, अपने आपको ज्यादा बड़े होशियार तो बनना है, मैं जाकर तुम्हें क्या समझा रहा दू? ज्यादा बड़े होशियार तुम मत बनो, अपने घर चले जाओ, वो भी पर्चा काट कर। पर्चा तो किसी दिन ऐसा कट काम तेरा, तू पूरी उम्र भर याद रखेगा, और आज के बाद मेरे बालक को बकाने की जरूरत नहीं है। खम्मा की बात, अरे मैं किसी के घर जा रहा हूँ क्या बुलान है? अपने आप आ रहा तेरा छोरा, उसे रोक ले, नहीं आने का मेरे धोरे तो मैं कौन सा बका लूंगा उसे, उल्टी उल्टी बात करे तू भी, ऊपर नीचे तेरे धोले आ रहे, दिमाग खराब कर रखा। ऐसा है जी मेरे धोरे भेजने की जरूरत नहीं है अपने जाकर को, उसे अपने घर रखो और वो भी पर्चा काट के। बताया ना पर्चा तो तेरे किसी दिन बहुत बड़े ढाल कटेंगे हम, और जय राम है अब जा, किसी और दिन देखने तुझे। अरे तू कुछ कर लिया मेरा मुंह फेर दे, जा जा निकल जाए इनसे, जाने ना खराब कर रहा है बड़ा बयान का हिम्मती, ठीक नहीं करा मैंने, वही पर्चा काट के। बाबूजी मिले कहीं वे? अरे कहाँ बहू, वो ढोंगे के चक्कर में नहीं, वो उस पहलवान के चक्कर में लग रहा। पहलवान के चक्कर में? कौन सा वो पहलवान? वो गांव का छटवट उल्लू का पट्टा बोगा था। मैं जाइए भी मैं देखूंगी उसे। भाई आज तो पहलवान की पहलवानी लिकट कर रहेगी भाई। ऐसी कोनी मारूंगी याद रखेगा। ले भाई थक गया आज तो। वो पहलवान के बच्चे क्या हरकत है तेरी? पहलवान के बच्चे? पहलवान का बच्चा नहीं, पहलवान हूँ मैं, और तेरा रैपट ऐसा मारूंगा मोटी जी माँ पड़ेगी सामने लेटे बजा के। अच्छा अभी बताऊँ क्या चक्कर है, मेरे पति को भगा रखा है जो। तेरा पति?
क्या नाम है तेरे पति का, कौन है वो? उसे रवि खू। रवि खू? हाँ उसे रवि खू। आज ये बात उसे बघाने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो वो तेरा पति है? लुका पट्टा। मेरा मतलब तेरा पति है? ओहो भाई तेरा ससुरा भी आया था। मैं नू कह रहा हूँ मेरे पास भेजो, जो मेरे पास आओगा मैं उसे अच्छी सलाह दूंगा, वो भी पर्चा काट के। पर्चा काटू के तेरा? मैं तू काट देगी मेरा पर्चा? कट गया पर्चा। कट गया जी। बहुत खराब बहू है। बहू क्या बमा कहता नहीं, भयंकर है। इन्हें तो मेरी जान काट दी। रवि की ऐसी बहू सड़ा खुद सुतली सा और सुतली बम ले फिर रहा है। पहलवान नहीं करे भाई। अरे क्या पहलवान नहीं करेंगे हम तुम्हारे लिए। अरे दूध ले आओ कोई। बहू हाँ पिताजी। वो पहलवान ठीक है? हाँ ठीक है। जवा पहलवान साढ़े तेरी पहलवानी लिगड़ी गई आज। कौन है? अरे तू मेरे घर में क्या कर रहा है? अब मैं तो तेरी घरवाली से मिलने आया था। मेरे घर में घुसने की कैसी हिम्मत हुई थी? बाहर मिलते बाहर क्यों मिलता मैं? नहीं तो कहा था मेरे घर आइए, मैं घर में आ गया। मेरे घर से निकल जा नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे पाजी दादी तुम? हाँ मैं। अरे पाजी दादी तुमने तो कुछ करा ही नहीं, वे दोनों तो ठीक नहीं हुए, मैं और बिगड़ गई। मैंने कहा ना अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं ठीक कर दो? ठीक है फिर तो मजा आ जाएगा। फिर किससे बड़बड़ डाली? किसी से भी नहीं बात है। अरे मैं तो यहीं था, यहीं मारू था। अरे तुम कौन? मैं रवि तेरा पति। अरे मेरा पति तो खुजली से था, यो इतना सुंदर पति कहाँ से आया? अरे ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे सिर में किसी ने डंडा मारा और मैं ऐसा हो गया। ओहो ये परी दादी का काम है। ये परी दादी कौन है? कोई नहीं, मेरी एक अच्छी सहेली है, उसने ये कारनामा करा है। तेरी सी कौन सी सहेली जिसका हमें आज तक नहीं पता? अरे छोड़ो तुम, चलो अंदर खाना खाओ। ले भाई थक के। हाँ भाई पहलवान क्या हाल है तेरे? मैं तो ठीक हूँ, पर तू कौन है भाई? रवि, नाम तो सुना ही होगा। रवि सुगन का पोता? वो तो ऐसा ही था, बावड़ गंडी सा था क्या? वो तो है। तू इतना स्मार्ट और सुंदर छोरा कहाँ से आया? मुझे तेरे पे यकीन नहीं है, पर क्या काट के? वो यूं मैं जिस पे तेने जूता फेरता, आज मैं तेरे पे फेरूंगा। भाई दे जूता ना फेरिए, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। ठीक है बस आज से बात ना उल्टे सीधे काम करना छोड़ दे। ठीक है नहीं। जा रहा मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं करूँ, बिल्कुल नहीं करूँ, आज के बाद तो बिल्कुल नहीं करूँ, लेकिन आज तो कर सकूँ। आज मैं इतना उल्टा काम करूँगा, इतना उल्टा काम करूँगा, इनके सबके पर्चे काट दूंगा। साले ने मेरे जिम पे आकर मुझे धमकी दी ना, ऐसा नहीं छोड़ने का। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, या तो आज आर की या तो पार की। आ रहा हूं मैं, जय मां काली। बहुत फड़फड़ा रही थी है, बहुत घुड़े मार के गई थी, कोनी मार के गई थी मेरी। आज बताऊंगा तुझे, तेरे पर सारे सरिये ना गिरवा दिए तो मुझे भी कौन कहे। बे उसकर की तो बांधी, वैसे बांध के दिखाता। वैसे बंधती तू मेरे पास हाथ थी। छोड़े फिर ये बताऊंगी तुझे। हाँ ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं तुझे, छोड़ दूंगा फिर मुझे कौन छोड़ देगा? कहीं लायक नहीं छोड़ देगी तू मुझे, बम उड़ के रखी ऐसी। तुझे बचाने वाला कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। तू मेरी बहू को हटा रहा है, हम चले कुत्ते। देखा ये खाद का कमाल, ऐसा ही हूं मैं खतरनाक आदमी, आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अरे
तो तेरा दम काट दी, वैसा तो तेरा दम निकल गया, तुझे फिर कमा खुल दी है। फिर देखो तेरे बेटे को तेरी पाओ। पिताजी कहाँ है? पिताजी को उसने मार के फेंक दिया। ए भाई बच गए, वो तो ठीक है सपना था, मोटी ने तो मेरे ईंटी मार दी थी। सपने में भी आदमी बदल जा, कमाल है भाई, कुछ भी हो सके भाई, परी है स्वर्ग तो है, उसे चेंज कर दिया। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। अच्छा एक बात सुनो, ये मेरी कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना, कमेंट करना, और जो यो है ना घंटा सा इसे जरूर दबाना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नमस्कार।